जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शॉर्ट एंड शार्प। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां च श्रोमणी अकाली दल बादल दूजी बार होया काबज। 35 तो वध सीटां ते बादल धड़े दी जित, सरना धड़ा 7 आजाद उम्मीदवारां ने जित्तियां 4 सीटां। हाई प्रोफाइल सीट पंजाबी बाग ते मनजिंदर सिंह सरसा ने परमजीत सिंह सरना नूं दित्ती शिकस्त। मौजूदा प्रधान मनजीत सिंह जीके ने भी दर्ज कीती जित। श्रोमणी अकाली दल बादल वालों जित हासिल करदिआं ही बादल धड़े दे हमायतियां च जशन दा माहौल देखण नूं मिलिआ। डीएसजीएमसी चोणां च मिली जित नूं सुखबीर सिंह बादल ने दस्सिआ इतिहासक। कहा दिल्ली दी सिख संगत ने अकाली दल दी निष्काम सेवा दे एजेंडे ते लगाई मोहर, कांग्रेस अते आप नूं संगत ने नकारिआ। डीएसजीएमसी चोणां दे विच सरना धड़े दी हार हुई है। इस मुतलक परमजीत सिंह सरना ने कहा है कि बादल धड़े वालों ज्यादा पार्टियां मैदान च उतारियां गईयां जो उन्हां दी हार दी वजह बणी। वही किया है कि इन्होंने पंजाब चो बंदे बुलाए, जिमें वडाला कीर्तनिया सी उसने अपने बंद खड़ा करता और साडे को इनफॉरमेशन सी कि बादल का बंदा है। दिल्ली की संगत उहदे झांसे जा गई और उसनू वोटां हर कंस्टिट्यूएंसी 400-500 वोट लैके आया। अगला स्टैप तो देखो असी एक गल तो बड़ी पक्की है भाई, तुम ये कहो भी असं इन्हों छ देंगे क्योंकि इन्होंने सिक्खी डोबण की कसर नहीं छड़नी, तो असी बचा नहीं छड़नी। असी हर हालत सिक्खी बचा है, वो जो भी कुरबानी देंगे जो भी लड़ना पेगा असं लड़ा, पर यह कह भी असं चुप करके बैठ जाएंगे बिल्कुल नहीं बैठा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कृपाल सिंह वडूंगर ने कहा कि चोणां के दौरान डेरा सच्चा सौदा वोट मामले से कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 मार्च को सौंपेगी। फिर उन्होंने देख के सानूं लिखती रूप से कहा तीन मैंबर ने कि बहुत लंबा काम है, इस करके कल कल आइडेंटिफाई करना, उन्होंने पूछना, उन्होंने करना टाइम लगा। असं उन्होंने 7 मार्च तक का जो टाइम है वह अंतरिम कमेटी ने दिता, एग्जैक्टिव कमेटी ने दिता, यह 7 मार्च तक अपनी रिपोर्ट जी है वह कल तक साहब के जथेदार साहब को सौंप दो। इस तों इलावा कमेटी ने दस्सिया कि विद्यक अदारियां च सुधार लियाउण दे लई बुढलाडा दे गुरु नानक कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर नूं वधाउण लई 1,80,00,000 रुपए खर्च कीते जाणगे। ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 7% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 132% ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 132% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। खन्ना विच होए डेरा प्रेमी पिता पुत्र के कतल के मामले में DGP ला एंड आर्डर ने दिता 5 दिनों के मुलजमान की गिरफ्तारी का भरोसा। भरोसे तो बाद पीड़ित परिवार ने धरना किया खत्म। SIT का भी मामले च किया गया गठन। मलोच होए डेरा प्रेमियों के कतल मामले च पुलिस दहशतगर्दी थ्यूरी से भी काम कर रही है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। लुधियाणा च पावर कारपोरेशन ने डिफॉल्टर के खिलाफ छेड़ी मुहिम। 95 करोड़ रुपए के बकाए लिए की जा रही है सख्ती। पिछले महीने 14 करोड़ रुपए की की रिकवरी। सरकारी अदारे वालों खड़े ने तकरीबन 31 करोड़ रुपए के बिल।
95 करोड़ रुपए के बकाए के लिए पावरकॉम के वालों की सख्ती की जा रही है। दसण योग है कि पावर कारपोरेशन ने पिछले महीने 14 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी। सरकारी अदारों वालों खड़े ने तकरीबन 31 करोड़ रुपए के बिल। पंजाब के सबका आईएएस अफसर मनदीप सिंह 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड से आमदन तो वध जायदाद का मामला संवैधानिक अहदे की दुरवरतों के इल्जाम मुलजम मनदीप सिंह ने खुद के खिलाफ साजिश दी करार। हिमाचल प्रदेश में अज तो बजट इजलास की हुई शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण तो बाद कल तक के लिए मुलतवी हुई कार्रवाई। 7 अप्रैल तक चलने वाले बजट इजलास में होंगी कुल 21 बैठक। राज्यपाल के हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट इजलास की अज की कार्रवाई पूरी हुई। 7 अप्रैल तक चलेगा बजट इजलास, कुल 21 बैठक होंगी। हरियाणा विधानसभा में बजट इजलास के तीसरे दिन जाट राखवांकरण के मुद्दे पर चर्चा। विरोधियों ने की मुकदमे वापस लेने की मांग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, अंदोलन और हड़दंग एक नहीं। सूत्रों के हवाले तो खबर हूं 7 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट। यमुनानगर के स्कूल में टीचर ने मासूम को कुटन का मामला आया सामने। मान्यता प्राप्त न होने की वजह से सिक्ख्या महकमे ने स्कूल बंद करने के दिए हुक्म। बच्चों को दूजे स्कूलों में शिफ्ट करने की कही गल। फरीदकोट के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधकों वालों बच्चों के मापियां के नाल बदसलूकी करने के इल्जाम लगे ने। इस मामले स्कूल प्रशासन ने अपने ते लगे इल्जामों नूं नकारिया। भारत दीआं जेलां च सजा पूरी कर चुके 39 कैदियों नूं पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। कौमांतरी सरहद ते वाघा बॉर्डर के रस्ते कैदियों नूं पाकिस्तान भेजा गया। समाजिक न्याय ते अधिकारता मंत्रालय दे नाल मिलके फरीदाबाद दे सर्वोदय हस्पताल च गूंगे ते बोले बच्चों के लिए क्लीयर इंप्लॉयमेंट योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत होने वाले ऑपरेशन उस तो बाद स्पीच थैरेपी का सारा खर्चा भारत सरकार चुकती है। सिरसा दा बाजेका दा रेलवे स्टेशन की हालत खराब नजर आ रही है। मुसाफरां मुताबक इत्थे टिकट भी नहीं मिलती, जिसकी वजह करके उन्होंने मुश्किल का सामना करना पैदा। यह सिलसिला 1.5 वरे तो चल रहा। चंडीगढ़ में आवारा कुत्तियां की नसबंदी की हुण काउंसलर करनगे देखरेख। पालतू कुत्तियां नूं पार्कां विच घुमाउण की इजाजत, पर उन्हां वालों फैलाई गंदगी नूं उन्हां दे मालक ही करनगे साफ। आवारा पशुओं वालों फसलों को नुकसान पहुंचाने कारण पंजाब के किसान परेशान ने। किसानों ने सरकार तो इस समस्या वाल ध्यान देने की अपील की। पठानकोट में 4 वड्डियां पंचायतों ने शराबबंदी के बल कदम बढ़ाया। पंचायतों ने उन्होंने पिंडां च शराब के ठेके खोलण ते रोक लगाउण लई मता पास करके जिला आबकारी अते टैक्सेशन महकमे नूं दित्ता ते नाल ही इसकी कॉपी डिप्टी कमिश्नर पठानकोट नूं भी भेज दित्ती है। अमृतसर के पिंगलवाड़ा सोसायटी दी खिडारना की वड्डी पुलांग। मार्च महीने आस्ट्रेलिया होण वालियां स्पैशल ओलंपिक्स च खेडां दा 3 खिडारना नूं मिलिया टिकट। रोहतक जिले के कस्बा सांपला खेतर के पिंड समचाना विच हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले ने। जी एंटरटेनमेंट ने अफ्रीका विच पकड़ की मजबूत। माली विच जी मैजिक अते जी सिनेमा लॉन्च। सब तो वड्डे डीटीएच प्लेटफॉर्म डीएसटीवी विच जी बॉली मूवीज भी लॉन्च किया।
सर्विस चार्ज हटाने नाल आईआरसीटीसी दे घाटे की भरपाई करेगी सरकार। अगले छे महीने विच आ सकता है आईआरसीटीसी दा आईपीओ। अज तो अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होया शुरू। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कुछ चुनिंदा बैंकों में किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। इस बार 29 जून तो 7 अगस्त तक चलेगी श्री अमरनाथ यात्रा। रोहतक जिले के कस्बा सांपला खेतर में पिंड समचाना हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले ने। पूरासारी महकमे की टीम ने जांच तो बाद एक नर कंकाल सने अवशेषा नूं बरामद करके अपने कब्जे च लै लिया। अमृतसर के पिंगलवाड़ा सोसायटी दियां खिडारना की चोण आस्ट्रेलिया विच होण वालियां खेडां च हुई है, जिसनूं लैके वह काफ़ी खुश नज़र आ रही। तापमान बदलने नाल हिमाचल के नरकंडा विच तेजी नाल पिघल रही है बर्फ। स्नो गेम्स का लुत्फ चुकण वाले लोगों च निराशा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप विच जीतू राय का तीजे मैडल से स्टीप निशाना। 50 मीटर पिस्टल ईवेंट विच जितया गोल्ड। आईसीसी दे मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पुणे दी पिच नूं दस्या खराब। बीसीसीआई ने मंगाया 14 दिनां च। अमेरिका दे कैंसस विच भारती दे कतल दी राष्ट्रपति ट्रंप ने कीती निंदा। कहा हर तरह की घृणा ते हिंसा है निंदणयोग। अलबामा विच मार्डी ग्रास परेड के दौरान एसयूवी ने कई लोगों नूं दरड़िया। 12 विद्यार्थी जख्मी। कैंसल की गई परेड। फ्रांस विच राष्ट्रपति ओलांद के भाषण के विचाले पुलिस के शूटर तो चली गोली। 2 लोग जख्मी। अमेरिका के मासूचुएट्स विच इमारत नाल टकराया एक छोटा जहाज। पायलट की मौत। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने 5 अफसरों तोप नाल उड़वाया। गलत रिपोर्ट देण दा सी इल्जाम। रसायनक हथियारों के इस्तेमाल के इल्जाम च सीरिया ते बैन नहीं। मते के खिलाफ यूएन विच रूस अते चीन ने लगाया वीटो। फ्रांस विच राष्ट्रपति ओलांद के भाषण के विचाले पुलिस के शूटर तो चली गोली। 2 लोग होए ने जख्मी। फिल्म लॉयन विच सारू की भूमिका नाल तारीफ पाने वाले सनी कुआर पहुंचे स्वदेश। ऑस्कर विच अवार्ड पाने तो खुंझ गए। मलयालम अदाकारा नाल हुई बदसलूकी की घटना से दीपिका पादुकोण ने जताया दुख। कहा दोषियों को मिलनी चाहिए है सजा। करीना कपूर अपने बेटे नूं लिटिल जॉन कह के बुलाउंदी है। सैफ ने बेटे का नाम रखे तैमूर। रणबीर कपूर हुण बनवाउणगे टैटू। संजय दत्त से बन रही बायोपिक फिल्म दे विच कर रहे हैं काम। कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट विच स्पेशल अपीयरेंस विच वाली खबर नूं दस्या झूठ। कहा इस फिल्म विच नहीं कर रही काम।